सौरभ, आज बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि प्राचीन बिहार जो है उससे वहाँ उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो घटनाएं हुई है बिहार में उन पे जो क्वेश्चंस बीपीएससी में आते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो विच डायनेस्टी डज नॉट बिलोंग टू बिहार, तो इनमें से कौन सी डायनेस्टी बिहार से बिलोंग नहीं करती है? तो हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनागा और मौर्या डायनेस्टी और कलिंगा डायनेस्टी। तो देखिए, जो हरियंका डायनेस्टी थी वो पहली डायनेस्टी थी बिहार की, इनफैक्ट मगध की, जो 6th सेंचुरी BC में बिम्बिसारा ने हरा कर, बृहद्रथ डायनेस्टी को हरा कर ये कैप्चर किया था, और जो कैपिटल था वो राजगीर बनाया था। उसके बाद जो सेकेंड डायनेस्टी आई वो थी शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा ने हरियंका डायनेस्टी को ओवरटेक किया और शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना की। उसके बाद बना नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे धनानंद, और धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन कैप्चर किया था और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो उसके बाद जो आया वो मौर्य डायनेस्टी। कलिंगा डायनेस्टी जो है, आज के प्रेजेंट समय के उड़ीसा को कलिंगा बोला करते थे, और कलिंगा डायनेस्टी में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि 261 BC में सम्राट अशोक ने कलिंगा को कैप्चर किया था और अपने रिजिम के अंदर लाया था। इससे उसके पहले कलिंगा इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। आप हमारे वीडियो में जाकर, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मगध एम्पायर के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाइए और एंशंट इंडिया, एंशंट हिस्ट्री को आप खोलें, और उसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मगध एम्पायर पे। तो वहां पर आप और क्लियरली इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एम्परर अशोक बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो एम्परर अशोक जो थे, अशोक थे बिंदुसारा के बेटे, और बिंदुसारा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। तो मौर्य डायनेस्टी जो थी उन उनमें आते हैं अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद अशोका। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको, इसको आप याद रखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेम बिहार केम इन टू बींग फ्रॉम, तो बिहार का नाम कैसे पड़ा? तो बिहार का नाम जो है वो पड़ा एरिया डोमिनेटेड बाय बुद्ध लैमेसरी। तो बिहार में बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री हुआ करती थी, क्योंकि लॉर्ड बुद्ध का ये इनलाइटमेंट प्राप्त करने का जगह था, और यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री बनने के कारण, यहाँ पर जो लैमसरे था उसके कारण बिहारा, BIHARA, बिहारा, तो बिहारा से नाम बना बिहार। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर वॉज, तो मगध एम्पायर का पहला कैपिटल कौन सा था? तो गया ये नहीं था, पाटलिपुत्र और कुसुमपुर एक ही है। तो बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि पाटलिपुत्र शायद पहला कैपिटल था, लेकिन ऐसा नहीं था, राजगीर। गिरिव राजा राजगीर को GIRIVRAJA। तो 5 हिल से सराउंडेड ये जगह है बिहार में, और इसको राजगीर भी बोलते हैं। तो बिंबिसारा ने अपना कैपिटल जो है राजगीर में एलोकेट किया था। तो बिंबिसारा के बाद अजात शत्रु आए, तो अजात शत्रु ने भी अपना कैपिटल राजगीर रखा था। और उसके बाद उडाइन आए थे, उडाइन, उदयभद्र जिनको बोलते हैं, उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया पटना पहली बार। फर्स्ट टाइम जो अगर पूछा जाए कि पहली बार पटना कैपिटल मगध एम्पायर में कब हुआ, तो वो हुआ उडाइन के समय में, और उन्होंने पाटलिपुत्र या कुसुमपुर जो बोलते हैं, पटेग्राम, ये भी इनके पटना का नाम है, तो उस समय ये शिफ्ट हुआ था। आइए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फेमस पर्सनैलिटी वॉज बॉर्न ऑन द लैंड ऑफ बिहार? तो इनमें से कौन सा फेमस पर्सनैलिटी बिहार के जमीन पर जन्म लिए? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, LUMBINI, लुम्बिनी, जो कि आज के समय में नेपाल में पड़ता है, क्षत्रिय क्लैन में हुआ था इनका जन्म। गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, TALWANDI, तलवंडी, जो कि आज के समय में पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, 14th और 15th सेंचुरी के एंड में ये इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666, और अभी हाल में ही हमने 350वां जो इनका जन्मोत्सव बनाया था पटना में, पटना साहिब में, और लाखों की भीड़ यहाँ पर एकत्र हुई थी, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। तो जो आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10th सिख गुरु। तो आपको सिख धर्म के बारे में अगर ज्यादा जानना है, तो हमारे वीडियो पर जाकर, एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो में जाकर आप गुरु गोविंद सिंह और जितने भी गुरु हैं, सिख गुरु हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो शेर अली, शेर अली, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इज गुरु गोविंद सिंह। एट प्रेजेंट बाई विच नेम ओल्ड वैशाली सिटी
इज नोन, तो आज के समय में जो वैशाली सिटी था उसका नाम क्या है? तो वैशाली सिटी जो है उसको कहते हैं हाजीपुर। हाजीपुर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ बिहार कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ बिहार, जी हाँ। और मुजफ्फरपुर लीचियों के लिए फेमस है, पटना मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया और बिहार का कैपिटल, राजगीर जो है नालंदा वगैरह के लिए फेमस है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ गाइज, आप उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को आप अगर पेन कॉपी आपके पास है साथ में तो आप इसको लिखते चलें। ये आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द मुगल एम्परर मर्ज बिहार इन हिज रूलिंग रिजीम, तो अपने रूलिंग रिजीम में इनमें से कौन से मुगल एम्परर ने बिहार को इंक्लूड किया था? तो देखिए जो मुगल एम्परर थे वो थे अकबर, अकबर ने बिहार को अपने रिजीम में इंक्लूड किया था। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप बात करें तो सबसे पहले आए थे बाबर, बाबर के बाद जो मुगल एम्परर आए थे वो थे हुमायून, और हुमायून के बाद आए थे अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कुमारगुप्त, कुमारगुप्त जो थे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, और गुप्ता डायनेस्टी कहलाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में आप पढ़ सकते हैं हमारे एंशियंट वीडियो के, एंशियंट इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री की जो वीडियोज हैं उनमें आप मिल सकता है आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में। देखिए इन्होंने 400 BC के अप्रॉक्स में, 400 AD के अप्रॉक्स में इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और जो ग्लोरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की 1100 AD तक रही थी। और ये एक हिंदू बुद्धिस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ पर तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और तकरीबन 2,000 फैकल्टी थे, मतलब टीचर्स। और देखिए ये तब तक ग्लोरीफाइड रहा था जब तक 1193 में जब बख्तियार खिलजी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मिलिट्री जनरल थे बख्तियार खिलजी, तुर्किश थे ये, और इन्होंने आकर डिस्ट्रॉय किया था पूरा नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी जो कहते हैं कि इसकी जो लाइब्रेरी थी इसमें तकरीबन लाख ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे, और यहाँ तरह तरह के बुक पाई जाती थी जैसे कि सोशियोलॉजी और मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी और अलग अलग धर्म के जैसे बुद्ध और हिंदू धर्म के बहुत सारे यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट पाए जाते थे। और तीन स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 3 महीने तक आग लगी रही थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी रही होगी। तो जो आंसर है बख्तियार खिलजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन, तो बैटल ऑफ बक्सर कब फॉट किया गया था? तो बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बैटल के बाद अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने का मौका मिल गया था भारत में। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर और डेट है 1764, यस। और देखिए हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका कमांड था हेक्टर मुनरो के पास, और हेक्टर मुनरो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस था मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, और साथ में नवाब ऑफ अवध उनके साथ थे, और साथ में जो मुगल किंग थे शाह आलम टू, इन तीनों का ट्रिपल अलायंस था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश फोर्सेस भारी पड़ी और फाइनली ब्रिटिशर्स की जीत हुई और फ्री ट्रेड करने का मौका मिला ब्रिटिशर्स को यहाँ से। तो ये हुआ था 1764 में, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, PLASSEY, बैटल ऑफ प्लासी। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली में, वैशाली में करवाया था कल अशोका। और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, और वो हुआ था राजगीर में 483 BC में, और इसे करवाया था अजात शत्रु ने, जिस समय इनकी डेथ हुई थी बुद्ध की उसी ईयर में 483 BC में। और उसके बाद पाटलिपुत्र में थर्ड हुआ अशोका ने करवाया था, फिर फाइनली कुंडलावन में हुआ था, तो कुंडलावन और कनिष्का ने करवाया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये सब वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके हमें बताइए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।